सो हे गाइस, आज मैं फिर से लेके हाजिर हूँ आपका बेसिक नॉलेज फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर पार्ट टू। मैं इसका पार्ट वन बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है गाइस। ये आपको अगर आप जब जाओगे साइट पे एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। एंड ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे है अपना वेट ऑफ स्टील इज इक्वल टू डाया स्क्वायर बाई 533। पार्ट वन में मैंने बताया था केजी पर मीटर में निकालने के लिए, इसमें मैं केजी पर फीट में निकालने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। एंड साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब इज इक्वल टू 150 mm × 150 mm × 150 mm, जो हमारा क्यूब होता है उसको 3 लेयर्स में भरते हैं। एंड 35 स्ट्रोक्स मारते हैं इसमें। एंड जो स्ट्रोक्स मारते हैं हम जिस रॉड से, वो 16 mm का आपका रॉड होना चाहिए। एंड 600 mm लॉन्ग होना चाहिए। ये आपका इंटरव्यू में भी आता है, एंड इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। सो अब अपना थर्ड पॉइंट है, सीमेंट इंग्रेडिएंट्स आर बॉन्ड एट 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप इमेजिन कर सकते हो कि सीमेंट इंग्रेडिएंट जो होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वो बॉन्ड होता है। फोर्थ पॉइंट है अपना, 1 BHK इज इक्वल टू 1 bedroom 1 hall 1 kitchen। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये सब मालूम होगा, एंड बहुत ऐसे भी होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा, तो मैं ये पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा यार, टेंशन नको लेने का। एंड अपना फिफ्थ पॉइंट है, 8 kg to 12 kg बाइंडिंग वायर इज यूज्ड पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील। मतलब देखो आपका जो एक टन स्टील में 8 से 12 kg बाइंडिंग वायर यूज होता है, जैसा कि हर कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉमनली देखा जाता है। एंड गांव में तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मतलब बाइंडिंग वायर लगा देते हैं गांव के जो मिस्त्री हैं। एंड सिक्स्थ पॉइंट पे हमारा, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 MQ इज इक्वल टू 500 bricks। तो देखो मतलब 1 MQ में आपका 500 bricks जो है वो लगता है। एंड सेवेंथ नंबर पे है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक फर्स्ट क्लास शुड बी मोर देन 20%। जो हमारा ब्रिक का जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20% मतलब 20% होता है। उसके बाद से चलो अपना ये एथ पॉइंट है, कॉन्क्रीट क्यूब इज फिल्ड इन 3 लेयर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉन्क्रीट क्यूब मतलब 3 लेयर्स में भरा जाता है, एंड इसमें 35 स्ट्रोक हर लेयर में मारा जाता है। एंड जो स्ट्रोक मारा जाता है वो जिस रॉड से मारा जाता है वो 60 mm का रॉड होता है, एंड 600 mm लॉन्ग होता है वो रॉड। एंड नाइन्थ पॉइंट पे हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ सीयर वॉल इज इक्वल टू 150 mm। जो आपका सीयर वॉल होता है उसका मिनिमम थिकनेस आपको 150 mm रखता है। एंड टेंथ पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीयर वॉल इज इक्वल टू 400 mm। जो आपका मैक्सिमम थिकनेस रहेगा ना वो सीयर वॉल का, वो 400 mm रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।